नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी अध्यात्म। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक की चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश जी के लिए व्रत उपवास किया जाता है। इस बार गुरुवार 22 जून को ये तिथि होने से इस दिन गणेश जी के साथ ही भगवान विष्णु और गुरु ग्रह की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और मन में शांति आती है। चतुर्थी व्रत करने वाले लोगों को भगवान गणेश के मंत्रों का जप करना चाहिए। चतुर्थी तिथि पर सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और फिर स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। गणेश जी का जल, दूध, पंचामृत और फिर जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात चंदन का तिलक लगाएं, सिंदूर, दूर्वा, फूल, चावल, फल, प्रसाद चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। इस दिन श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। उनको लड्डू और मोदक का भोग लगाएं और आरती करें। इसके बाद गणेश जी के सामने चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लें। कहा जाता है कि गणेश जी के 12 नाम वाले मंत्रों का जप करने से पूजा जल्द ही सफल होती है और ये मंत्र हैं: ओम सुमुखाय नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः। गणपति बप्पा के इन 12 नाम वाले मंत्रों का जप करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा गणेश पूजा के बाद भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक करें। इसके लिए केसर मिश्रित दूध और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। गुरु ग्रह के लिए गुरुवार को शिवलिंग पर बेसन के लड्डू अर्पित करें। किसी गरीब को चने की दाल का दान करें। केले के पौधे की पूजा करें और केले का दान करें। गुरु ग्रह की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, इसीलिए शिव पूजा जरूर करें। नमस्कार।